तो बाबू मैं अच्छा लग रहा हूँ? पता नहीं कैसा लग रहा हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गढ़वाली माँ। सो फ्रेंड्स, अभी ये वीडियो थोड़ा सा ना, मतलब बनाना तो मेरे को कल ही था जिस दिन बेबी का नामकरण था, बट क्या हुआ ना, मेरा ना एक तो फोन में स्टोरेज नहीं था, दूसरा मेरा जो कैमरा था वो बच्चों ने इतना ज्यादा बटन पता नहीं क्या किया वो खराब ही हो गया। सो मुझे वेट था अश्मित जी के आने का, सो अश्मित जी आ गए हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि बेबी के नामकरण में क्या क्या गिफ्ट्स हुए हैं और अश्मित जी क्या लेके आए हैं, मतलब मेरे लिए, विशु के लिए, और रिलैक्स कर लूं पहले। और हाँ, कि हम कब निकलने वाले हैं वो अपडेट भी मैं इसी में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। नामकरण के सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ कि भाभी के घर से क्या आया है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल भाभी के घर से आया है ये भैया के लिए एक कोट पैंट का कपड़ा होता है ना, वो आया है, आप देखो। और हाँ, जैसे कि आपको आपने देखा होगा वीडियो उसका नामकरण का, और मेरे मुंह में ना बार बार अनपराशन ही आ रहा है। तो ज्यादा लोगों को हमने इनवाइट नहीं किया था क्योंकि ऐसा था ना कि अभी भाभी का हेल्थ भी अच्छा नहीं है और जल्दी से कोई लोग आते भी नहीं है, है ना, अपने अपने घर के ही थे सभी लोग, तो बाहर से हमने किसी को नहीं बुलाया है। तो आए थी बुआ, आई थी मौसा, मौसी जी आए थे, भाभी के मम्मी पापा आए थे। तो ये एक भैया के लिए आ गया है कोट पैंट का कपड़ा, और उसके बाद ये आया है मेरे लिए एक सूट, दिखाती हूँ आपको थोड़ा है ना। सो ये सूट आ गया है, मैं जल्दी जल्दी दिखाती हूँ। उसके बाद विशु के लिए आ गए हैं ये कपड़े जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं मुझे, देखो सुंदर से है, ठीक है। उसके बाद ये आया है बड़ी दीदी के लिए सूट, वहाँ से सबके लिए कपड़े आए हैं, पूरी फैमिली के लिए बड़ी दीदी के लिए सूट, और यानिता दीदी के लिए सूट, और ये है हमारे मम्मी के लिए साड़ी। तो ये है मम्मी के लिए साड़ी, तो ज्यादा बड़ा फंक्शन नहीं था तो इतना तो बनता ही है। और हाँ, उसके बाद जो हाथों के कड़े होते हैं ना चांदी के, वो भी उन्होंने भेजे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ ना, क्योंकि बेबी अभी बहुत छोटा है, नन्नू सा, तो उसके ये नहीं आ रहे हैं। सो आप देखो ये है वो कड़े। उसके बाद जो दीदी आई है मेरी बड़ी दीदी, वो भी कड़े ही लेके आई है, छोटे छोटे चांदी के कड़े हैं, देखो बहुत सुंदर है। और मौसी जी आई थी, आपने देखा था, तो मम्मी की बहन, वो भी कड़े ही लेके आए हैं। और मैंने एक छोटा सा गोल्ड का भगवान जी दिया है जिसकी पिक मैं यहाँ पे शो कर दूंगी क्योंकि बेबी ने गले में पहना हुआ है। अभी मैं दिखाती हूँ, नाना नानी जी भी आए थे, तो नाना हमारे में क्या होता है ना, धूम कंडी देते हैं, तो नाना नानी जी यहीं पे पास में रहते हैं, तो वो लेके आए थे आटे का कट्टा जिसमें चावल भी होते हैं, आप कुछ भी दे सकते हो, चावल या आटा, तो वो आटे का कट्टा लेके आए थे। देन उसके बाद लेके आए थे ये प्यारा सा ड्रेस जिसमें 20 रुपीज भी है और ये बर्ड्स भी है। सो ये है उनकी तरफ से। और हाँ, मौसा मौसी जी कड़े के साथ साथ ये भी लेके आए थे बेबी के लिए कपड़े, देखो ठीक है। और हाँ, ये हमारी भाभी के लिए सूट भी है जो कि भाभी के मम्मी पापा ही लेके आए हैं, मतलब पूरी फैमिली के लिए कपड़े लेके आए हैं। अभी मैं दिखाती हूँ भैया क्या लेके आए हैं। हाँ, दो जोड़ी कपड़े थे जो बेबी अपने नामकरण वाले दिन पहन चुका है, अपने नाना नानी के घर के कपड़े। अभी आती है डायडा की बारी, बच्चे के डायडा की बारी। सो बच्चे के, हाँ ये ना भाभी के पापा लेके आए हैं क्योंकि कल है जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी के लिए वो एडवांस में कपड़े लेके आ गए। देखो कितने चंदर चंदर से लग रहे हैं। सो ये है, मुझे वीडियो जल्दी खत्म करना है क्योंकि मुझे अभी करनी है पैकिंग क्योंकि मुझे सुबह में निकलना है। सो अश्मित जी, जैसा कि आपको पता है, तो अश्मित जी गुजरात से आए हैं, तो ये गुजराती नमकीन तो लानी बनती है, तो ये नमकीन लेके आ गए हैं। भैया का दिखा दो ना, भैया क्या क्या लेके आए हैं अपने क्यू टू से बेबी के लिए।
तो अब जैसे कि जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी की एसेसरीज तो होनी चाहिए ना कान्हा जी के पास, तो इसमें बांसुरी है, बाबू क्या क्या है, माला है, मुकुट है, बाजूबंद है, तो ये पूरा कमरबंद है, कमरबंद भी है। मेरे को कन्हैया बनाना था पर मैं कल ही निकल जाऊंगी। उसके बाद एक ये है कृष्णा जी का छोटा सा प्यारा सा ड्रेस, देखो ये भैया की पसंद का है, वो हरिद्वार गए थे ना तब लेके आ गए थे। उसके बाद एक ये अपने जैसा हीरो बनाना है उसको ना, तो एक ये ले आए थे भगवान जी वाला कुर्ता, और एक खुद के लिए भी ले आए थे देखो महाकाल। आजकल जो बॉयज होते हैं उनके उनको मतलब इस तरीके के कुर्ताज बहुत पसंद है ना, तो भैया हरिद्वार गए थे ना तो अपने बेबी के लिए और अपने लिए ये सब लेके आ गए हैं। अभी मैं दिखाती हूँ अश्विन जी क्या लेके आए हैं। अश्विन जी अभी जस्ट आए हैं थोड़ी देर पहले, तो वो लेके आए हैं विशु के लिए एक ये वाला टी शर्ट और एक ये वाला टी शर्ट। सरप्राइज तो अभी तक नहीं बताया है। सरप्राइज कौन सा भाई? और हाँ, जो मौसम मोसी जी है ना, विशु जब हुए थे तो वो गुजरात तो नहीं आ सकते थे, तो वो अभी विशु से मतलब मिले हैं, पहले भी मिल चुके हैं, बट मौसा जी नहीं मिले थे, तो मौसा जी आए थे, तो मौसा जी आप देखो विशु के लिए कितने सुंदर से कड़े लेके आए हैं। और विशु सब बड़े हो गए हैं। सो ये इतने प्यारे से चांदी के कड़े हैं, और ये है एक ड्रेस विशु के लिए, देखो आप, ये है क्या बोलते हैं शर्ट, ये है शर्ट और ये है पैंट, ठीक है, ये भी हो गया हमारा विशु का। तो फ्रेंड्स ये है पूरा अन्नप्राशन का, सॉरी फिर से अन्नप्राशन नामकरण का गिफ्ट। और दीदी कर रहा पता है उसने ना हमें वो नहीं दिए कान के इयररिंग, मैंने कान के निकलवाए थे ना, नहीं दिए उसने, नहीं दिए ये। और मैं विशु के लिए लेके आ गई थी एक वॉच, मैंने कहा थोड़ा सा मेरा बेटा बड़ा हो रहा है तो, और एक लेके आ गई थी रबर बैंड। तो यही सामान है और बाकी का जो भी है वो बच्चे ने पहन रखा है और आधा मैं आपको नहीं दिखा सकती। सो यही था नामकरण का बेबीज का पूरा सामान। और हाँ, मिठाई से ये है हमारे अश्विन जी की तरफ से मिठाई का डब्बा आप लोगों के लिए, आप भी मुंह मीठा कीजिए, खुलेगा क्या? खुलेगा नहीं, आप भी मुंह मीठा कीजिए। और बेबी का नाम है युवराज, ठीक है, तो बेबी का नाम युवराज है, नामकरण हो चुका है, बहुत ही अच्छे से हुआ है, सारी ही चीजें बहुत ही हमने इंजॉय किया और मैं बहुत मिस करने वाली हूँ सभी लोगों को, ठीक है। मिठाइयाँ तो आपको होती है, मिठाई फ्रूट्स ये सब तो मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि वो सब तो नामकरण वाले दिन ही सारा फिनिश हो चुका है, इसीलिए मैं लाया हूँ, इसलिए आप लाए हो। सो इसमें काजू कतली है यार, ये क्या बात होती है देख रहे हो। सो फ्रेंड्स ये वाला वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप बेबी को ब्लेसिंग देना, जैसे कि आपको बताया भाभी की हेल्थ थोड़ी सी अच्छी नहीं है, वैसे वो ठीक है बट आप उनको अपनी ब्लेसिंग देते रहना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।